आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तंदूरी आलू पनीर नान। घर पे बहुत आसानी से बन जाता है। कभी हाईवे पे आप गए हो तो आपने ढाबे में खाया होगा, लोग यही सब खाने हाईवे पे जाते हैं, ये आसानी से घर में बन जाता है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि तंदूरी आलू पनीर नान मैंने कैसे तैयार किया है। तो सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। मैं 2 कप आटा ले रही हूँ। आप इसको टोटल मैदे में भी बना सकते हैं या टोटल आप आटे में बना सकते हैं। 2 कप आटा है, 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, तो ये टोटल 3 कप हो गया। हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, 3/4 टी स्पून मैंने नमक लिया है और 2 चम्मच जिसमें मैं दही डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसका पानी डाल देते हैं। तो जैसे नॉर्मल आटा गूंथता है वैसे हम इसको गूंथेंगे, इसमें कोई खास टेक्निक नहीं है। आप जैसे गूंथते हैं गूंथ लीजिएगा। पहले इसको जो हमने दही डाला है इसको आप पहले समेट लीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़े उस तरह से फिर आप पानी डाल के आटा गूंथ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, लगातार बहुत सारा एकदम से नहीं डाल देना है। और इसको फिर मैं गूंथ के 1 से 2 घंटे के लिए, मिनिमम 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी, तो आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि हमें तंदूरी नान बनानी है तो थोड़ा इसको हम इसको सेट होने देते हैं, थोड़ा सा आटे को फूलने देते हैं हमने जो सोडा डाला है। तो मैं आपको गूंथ के फिर दिखाती हूँ। आटा मैंने गूंथ लिया है, उसको ढक के रख दिया है। तो अब हम इसका जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। 2 मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, बड़े आलू हैं तो मैंने 2 लिए हैं। 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है, हरा धनिया है, जो कुछ मसाले हैं, नमक मैंने ले लिया अपने जायके के हिसाब से ले लिया, वैसे ये 3/4 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, कुटवी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और चाट मसाला 1/2 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले ग्रेट कर लेंगे, आलू को भी और पनीर को, दोनों को इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारा कर लेते हैं, इस तरह से हमें कर लेना है। सारा मैंने घिस लिया है, ये पनीर हो गया, ये आलू हो गया। अब इसमें सारे मसाले मैं डाल देती हूँ और ये हरा धनिया भी डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने रोक लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बार मिक्स करने के बाद अच्छा से एक डो तैयार हो जाएगा। और आप इसका नमक जरूर चख लीजिएगा, मिर्च मसाले आपको लगे कि कुछ कम है तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं तो हमारा डो तैयार है, आटा भी तैयार है। घर पे ही तंदूरी नान हम कैसे तैयार करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं एक पेड़ा ले लेती हूँ, आटा जो मैंने गूंदा है इसमें से एक तोड़ लेते हैं, लोई इसको ढक देते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली आप बनाते हैं रोटी उसी तरह से आपको पेड़ा बना लेना है। इसमें हम कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे। और तो ये मेरा पेड़ा तैयार हो गया है, थोड़ा सा इसको बेल लेते हैं। मैंने बेल लिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है और इस तरह से हम इसका बॉल बना लेते हैं जो हमने डो तैयार किया है आलू और पनीर का। फिलिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको रखना हो। मैंने इसका नमक चख लिया था, हर चीज़ इसमें परफेक्ट है। तो ये मैंने गोला बना लिया है, इस पर रख दिया है। अभी जो सारे किनारे हैं इसको हम पकड़ के यहाँ पे बीच में इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर है तो आप इसको निकाल दें, अदरवाइज इसी में चिपका सकते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छे से मैंने बंद कर दिया है, अच्छे से आप इसको बिल्कुल बंद कर लें। उसको हम हाथ से ही फ्लैट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया लगा देंगे। थोड़ा सा मैंने कलौंजी ले लिए, हमें इसको मिला देते हैं। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है आप काला तिल लगा सकते हैं। हाथ से थोड़ा सा इसको पहले दबा देते हैं। इसको दोबारा से बेल लेते हैं। आप इसको गोल बेल सकते हैं, लंबा बेल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप इसको कर सकते हैं।
तवा मैंने ऑन कर दिया है। मैंने इसको नॉन स्टिक पे नहीं बनाना है, इसको जो लोहे का तवा होता है जो थोड़ा सा रफ होता है उस पे इसको हम बनाएंगे। तंदूरी नान कैसे बनानी है वो भी मैंने बताया हुआ है, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। कई तरह के पराठे, कई तरह की रोटियों की मैंने रेसिपीज डाली हुई है, पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप वो चेक कर लीजिएगा। तो मैंने इसको लंबा बेल लिया है, आप ये देखिए अच्छे से बेल गया है। और हम इसमें अगर आप लगाना चाहें तो और लगा लें इस पर। मैंने पानी ले लिया है, इसमें हम इस तरफ पानी लगा देंगे, इससे ये हो कि चिपकाने में तवे पे आसानी होगी। तंदूर में क्या होता है वो तो सीधे उनका जो होता है उसमें लगा देते हैं, और हमारे पास क्योंकि तंदूर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव यही है कि इसमें हम पानी लगा लें इस साइड पे, और फिर ये जाके अच्छे से चिपक जाएगा। तो अब मैं इसको उठा लेती हूँ, इस साइड को हम तवे पे लगाएंगे। तवा गर्म हो गया है, अब इस पे मैं ये जो पानी की साइड है उसको मैं नीचे की तरफ रखूंगी और इसको ऊपर रखूंगी। इसको सिकने देते हैं, फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई है, थोड़ा इसको सिकने देते हैं आधा मिनट, तब हम इसको दूसरी साइड से सेकेंगे। वो किस तरह से सेकना मैं आपको दिखाती हूँ। तंदूरी आलू नान या तंदूरी पनीर नान दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने इसमें दोनों का मिक्सचर तैयार किया है। तो अब मैं इसको पलट देती हूँ, अब इसको हम हल्के हल्के आंच से ऐसे घुमाते रहेंगे, आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें फूलने लगेगी और इसमें ब्राउन स्पॉट्स आने लगेंगे। आपको घुमाते घुमाते ऐसे करना है, देखिए इस तरह से धीरे धीरे ये पकने लगेगा, क्योंकि हमने इसको चिपका रखा है ये गिरेगा भी नहीं, तो आपको घुमा घुमा के ऐसे करना है। धीरे धीरे ये पक रहा है, ये सब तरफ से घुमाइए ताकि सब तरफ इसी तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं। देखें कितनी बढ़िया सेवई तैयार हो गई है, इस साइड से रह गई तो इस साइड से गल देते हैं। तुम्हारी तैयार हो गई है नान, देख सकते हैं कितनी बढ़िया तैयार हुई है। अब मैं इसको हटा देती हूँ और नीचे से जो चिपके हुए है वो आसानी से निकल जाती है। तो दूसरी साइड से दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया से तैयार हो गई है। आप इसमें घी बटर कुछ भी लगा सकते हैं, तो इसमें मैं घी लगा रही हूँ। और आप बनाते जाएं और सर्व करते जाएं, और बढ़िया सबके आलू पनीर नान तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तैयार हुई है, बहुत जबरदस्त है। इसका जो मैंने बैटर इसका जो मैंने फिलिंग करी है वो भी बहुत जायकेदार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें, रेसिपीज को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट्स करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शहलाज दस्तरखान।